नमस्ते हिंदुस्तान। आज सुबह 10 बजे भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो हम सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि लॉकडाउन की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाएगा। हम सिर्फ एक फॉर्मल अनाउंसमेंट की वेट कर रहे थे। हम आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के साथ एक साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो जो भी निर्णय ले रहे हैं वो हमारे भले के लिए ले रहे हैं और 130 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर बड़ी बखूबी लेकर के चल रहे हैं। हम जानते हैं कि ये लॉकडाउन का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो हमारे जीवन और मौत के साथ है, हमारे भविष्य के साथ है। अगर हम लॉकडाउन का पालन करेंगे तो हम अपने आप को जीवन दान देंगे, हम स्वयं के लिए संजीवनी बूटी सिद्ध होंगे और बाकी लोगों के लिए भी सिद्ध होंगे। हम ये भी जानते हैं कि अगर समय पर पहले लॉकडाउन यहाँ पर नहीं किया गया होता तो हमारी स्थिति भी उन विकसित राष्ट्रों की तरह हो सकती थी जिन्होंने ये निर्णय नहीं लिया। और आज कोविड-19 के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो उनके यहाँ लाखों में हैं और हज़ारों की संख्या में वहाँ पर मौत हो गई है। इसलिए हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, हम उनके साथ हैं। किंतु आज शाम को बांद्रा में जो पिक्चर्स हमें देखने को मिली उससे जो है मुझे तो एक बहुत बड़ी साजिश की बू आती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो अचानक से कैसे हजारों माइग्रेंट लेबरर्स आज सड़क पर आ गए, जबकि महाराष्ट्र की सरकार ने 4 से 5 दिन पहले लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया था कि 30 अप्रैल तक हमारे यहाँ लॉकडाउन बढ़ेगा, तो आज ही वो लोग सड़कों पर कैसे आए? और अगर आ रहे थे और ये बोला जा रहा है कि मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे थे तो प्रशासन ने कैसे उनको नहीं देखा, कैसे उनको नहीं रोका? तो ये चीज़ हमें समझनी है। अगर इस तरीके की कोई भी हरकत कहीं पर हो रही है तो उसके खिलाफ हमें खड़े होना है और किसी भी तरीके का कोई भी भ्रम कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर हमें नहीं फैलाना है। हमें उन लोगों के साथ खड़े नहीं होना है जो हमारे मौत के सौदागर बने हुए हैं, यमराज बने हुए हैं और लॉकडाउन को अपनी राजनीति के लिए विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उनके जो खराब मंसूबे हैं उनको समझना है। मुझे बहुत दुख हुआ आज एक ट्वीट देख के महाराष्ट्र सरकार का कि उन्होंने अपनी स्थिति के लिए केंद्र की सरकार को ब्लेम किया। गलती आपकी, प्रशासन का फेलियर आपका, कोविड-19 की सबसे बुरी स्थिति आपके यहाँ, टोटल भारतवर्ष के अंदर जितनी मृत्यु हुई है उसमें से 50% मृत्यु आपके यहाँ, आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं और केंद्र सरकार को ब्लेम कर रहे हैं जो सरकार आपके साथ खड़ी है, आपका सपोर्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें समझने की हम सबको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये वक्त जो है राजनीति करने का नहीं है। इस राजनीति से हमें बाहर निकलना है, अपने लोगों को बचाना है और साथ में रहना है। धन्यवाद।